अभिमन्यु अपना दिमाग चलाते हुए तुरंत बोल पड़ता है, अगर अनुराग अंकल अपनी असली जिंदगी पर कहानी लिख रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कागज जो डायना को मिला था उसकी तीसरी हेडिंग के अनुसार अनुराग अंकल भक्षानर है, क्योंकि उसकी हेडिंग लेखक एक भक्षानर लिखी हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का भी अभिमन्यु की बात पर यकीन करना आसान नहीं था। अभिमन्यु ने एक ऐसी बात बोल दी थी जो वो सोच भी नहीं सकते थे। कायर डर से कांपते हुए और हकलाते हुए कहता है, क्या कहा अभिमन्यु तूने? भक्षानर, वो भी अनुराग अंकल? कछुआ कुछ सोचते हुए तुरंत बोल पड़ता है, पर ये कैसे हो सकता है? अनुराग अंकल भक्षानर कैसे हो सकते हैं? भक्षानर का शिकार तो यक्षिणी ने उसी अमावस्या की रात कर दिया था ना, जिस रात महाडायन ने यक्षिणी को अभिशाप दिया था। डायन कछुए को सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहती है, हाँ कछुआ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अनुराग अंकल वो वाले भक्षानर नहीं है जिसने कामेश्वरी यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। वो बस भक्षानर की एक पीढ़ी है, जिस तरह चित्रा आंटी डायन की एक पीढ़ी थी। कायर परेशान होते हुए कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? जब भक्षानर का अंत उसी रात हो गया तो फिर उसकी ये पीढ़ी कैसे? इतना कहकर कायर खुद चुप हो जाता है। डायना कायर की बात का पलटकर जवाब देते हुए कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अनुराग अंकल ही भक्षानर की पीढ़ी है, और तो और वो काला साया भी। वो काला साया उन्हीं का है, अनुराग अंकल का ही। चटर्जी डायना की बातों पर गौर फरमाते हुए कहता है, डायना एक बार के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि अनुराग अंकल भक्षानर की पीढ़ी के हैं, क्योंकि उस कागज पर उन्होंने खुद अपने और चित्रा आंटी के नाम के साथ भक्षानर और महाडायन लिखा था। पर तुम ये बात किस बुनियाद पर कह सकती हो कि वो काला साया अनुराग अंकल का ही है? वहाँ उस कागज में तो उन्होंने कहीं भी काले साये का जिक्र तक नहीं किया था। डायना खामोश खड़ी रहती है, क्योंकि उसके पास चटर्जी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। कछुआ भी चटर्जी का साथ देते हुए बोल पड़ता है, हाँ डायना, मुझे भी नहीं लगता कि वो काला साया अनुराग अंकल का हो सकता है। अनुराग अंकल तो बहुत अच्छे इंसान थे, वो कभी हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। तुम जानती हो ना उस काले साये ने क्या नहीं किया है हमारे साथ? डायना पलटकर कुछ कहती, उससे पहले बिंदु भी बोल पड़ती है, हाँ डायना, अनुराग अंकल कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। डायना अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरी बात का यकीन करो, वो काला साया अनुराग अंकल का ही है। अब मैं तुम सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो काला साया अनुराग अंकल का है? कोई भी डायना की ये वाली बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो काला साया अनुराग अंकल का हो सकता है। हर कोई डायना की इस बात के खिलाफ था। डायना की भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे साबित करे कि वो काला साया अनुराग ही है। हर कोई डायना की बात से असहमत था और उसे कुछ न कुछ बोलते जा रहा था, पर युग था कि वो अभी भी उस लॉकेट के अंदर ही एकटक नजर से देखे जा रहा था जो चित्रा का था। युग उस लॉकेट की तरफ खामोशी के साथ देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब भरने लग जाता है। उसकी आंखें नम होने लग जाती हैं। देखते ही देखते युग की आंखों से ज्वालामुखी फटने लग जाता है और वो नम लहजे के साथ बोल पड़ता है, डायना सच बोल रही है, वो काला साया मेरे पापा ही है। जैसे ही योग ये बात बोलता है, सब लोग हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि योग जो अपने पिता से इतना प्यार करता था, वो खुद अपने पिता के बारे में कभी ऐसा कहेगा। वो पिता जिसे वो अपना नायक समझता था, एक पल में उसे नायक से खलनायक बना देगा। सब लोग हैरानी के साथ योग की तरफ देखते रहते हैं। किसी की भी योग से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। योग रोते हुए फिर बोल पड़ता है, माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं ही गलत था जो कभी उन्हें समझ नहीं पाया। माँ ने क्या नहीं किया मेरे लिए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, तब भी मैं उनका प्यार नहीं समझ पाया। मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ, कैसे? पापा ने धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है। इतना कहकर युग और कसकर रोने लग जाता है। किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से युग को वो क्या गया था। ऐसा क्या हुआ था कि वो अपने पिता को बुरा और माँ को अच्छा समझने लग गया था? एकदम से उसकी भावनाएं इतनी कैसे बदल गई थी? युग फिर रोते हुए बोल पड़ता है, माँ ने क्या नहीं किया मेरे लिए, वो मेरे भले के लिए मुझे छोड़कर गई थी, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थी माँ नहीं बल्कि मैं था जो कभी उनके प्यार को समझ नहीं पाया, हमेशा उन्हें कोसता रहता। मुझे तो लगा था कि उन्होंने मुझे पापा से दूर किया है। मुझे क्या पता था कि वो मुझे मेरे ही पापा से बचा रही थी, वरना पापा तो मुझे। इतना कहकर युग फिर रोने लग जाता है, अपनी बात ही पूरी नहीं करता है। युग को इस तरह बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोते देख यामिनी की आंखें भी नम हो जाती है। वो तुरंत युग के पास जाती है और उसके कंधों को छूते हुए रोते हुए बोल पड़ती है, हुआ क्या है युग बाबू, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, बताइए मुझे युग बाबू। युग रोते हुए ही खुद से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, मुझे सब पता चल गया यामिनी, मुझे सब पता चल गया। यामिनी फिर युग से पूछ पड़ती है, क्या पता चल गया आपको युग बाबू? युग पलट कर जवाब देता है, यही कि कौन अपने के रूप में पराया था और कौन पराये के रूप में अपना यामिनी।
यामिनी हैरानी के साथ युग से पूछती है, आप क्या कह रहे हैं युग बाबू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युग अपने हाथ का लॉकेट यामिनी को दिखाते हुए कहता है, ये लॉकेट देख रही हो यामिनी, ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, इसमें यादें हैं, माँ की यादें, वो यादें जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए संभाल कर रखी ताकि मैं सब कुछ जान पाऊँ। यामिनी तुरंत उस लॉकेट की तरफ देखती है, पर उसे उस लॉकेट में युग और चित्रा की तस्वीर पर बस पानी की एक बूंद नजर आती है, उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। सिर्फ यामिनी को ही नहीं, बाकी सबको भी वही चीज दिखाई देती है जो यामिनी को दी थी। युग उस लॉकेट को फिर से देखने लग जाता है और उस लॉकेट को देखते हुए ही वो अपनी जिंदगी के 5 मिनट पीछे चला जाता है, जब उसका आंसू उस लॉकेट के अंदर गिर चुका था और जब वो लॉकेट बंद कर रहा था तो उसे एहसास हुआ था कि उस लॉकेट में जान आई हो, वो दिल की तरह धड़का हो, जिस कारण युग फिर से उस लॉकेट को खोलने लग जाता है। इस बार जब युग लॉकेट खोलता है तो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर से उसकी और चित्रा की तस्वीर गायब हो चुकी थी जो वहां पर पहले मौजूद थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये क्या, मेरी और माँ की तस्वीर कहाँ चली गई, अभी तो यहीं पर थी। युग इसके आगे कुछ और सोच पाता उससे पहले उस लॉकेट के अंदर जो उसकी आंसू की बूंद थी वो पहले से ही लॉकेट के अंदर मौजूद पानी की बूंद से जाकर मिल जाती है और उन दोनों के मिलते ही उस पानी की बूंद में मूवमेंट होने लग जाता है। वो दोनों पानी की बूंद गोल गोल घूमने लग जाती है। देखते ही देखते युग को उस पानी की बूंद में चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। जैसे युग को उस लॉकेट के अंदर चित्रा का चेहरा नजर आता है, युग के मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ता है, माँ, माँ लफ्ज बोलकर युग एकदम चुप हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं बोलता है। युग एकटक नजर से लॉकेट के अंदर दिखते चित्रा के चेहरे को देख ही रहा था कि देखते ही देखते चित्रा उससे बात करने लग जाती है, मेरा युग बेटा। जैसे युग चित्रा के मुंह से ये बात सुनता है, एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन थम सी जाती है, वो इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि करुणा के कारण कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस युग ही चित्रा की आवाज सुन पा रहा था। बाकी सबका ध्यान डायना की कहानी सुनने में था, वो सब डायना की कहानी सुन रहे थे और उससे सवाल जवाब कर रहे थे। चित्रा फिर युग से कहती है, मेरे युग बेटे, ये लॉकेट मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना जब मैं तुमसे मिलूंगी तब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर अब हालात ऐसे हो गए कि मुझे नहीं पता कि मैं अब तुमसे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं, पर मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें सब कुछ बताने का और वही वादा मैं पूरा करने जा रही हूँ इन आंसुओं के जरिए। ये कोई मामूली आंसू नहीं है, एक महाडायन के आंसू है। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा होगा कि तुम्हारी माँ आखिर महाडायन कैसे हो सकती है, पर यही सच है मेरे युग बेटे, तुम्हारी माँ एक महाडायन है और इस लॉकेट के अंदर उसी महाडायन के आंसू है, और अब यही आंसू तुम्हें मेरी जिंदगी की दास्तां सुनाएंगे। इन आंसुओं से मेरी जिंदगी की वो यादें हैं जिसे मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है ताकि तुम अपनी माँ की दास्तां जान सको। मुझे नहीं पता जब तुम्हें ये लॉकेट मिलेगा तब मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी, मैं जिंदा ना भी रहूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि आधी तो मैं उसी वक्त मर गई थी जब मुझे तुमसे अलग होना पड़ा था, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत भरी है उसे मैं मिटाना चाहती हूँ, इसलिए अपने आंसू के जरिए अपनी यादें मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ। ये मेरी कहानी है, एक बच्ची की डायन बनने की कहानी, एक डायन की लड़की बनने की कहानी, एक लड़की की माँ बनने की कहानी और एक माँ के महाडायन बनने की कहानी। चित्रा की बात जैसे ही खत्म होती है, युग नोटिस करता है कि लॉकेट के अंदर मौजूद पानी की बूंद के अंदर फिर से मूवमेंट होने लग गया था। देखते ही देखते चित्रा का चेहरा आंसू की बूंद में से गायब होने लग जाता है और आंसू की बूंद के अंदर युग को कुछ और ही दिखाई देने लग जाता है। युग देखता है कि उसके सामने हॉस्पिटल का एक कमरा था जो ऑपरेशन रूम की तरह लग रहा था। उसी ऑपरेशन रूम में एक औरत बेड पर लेटी हुई थी जो कि गर्भवती थी। वो औरत दर्द से तड़प रही थी क्योंकि वो अपनी प्रसव अवस्था में थी। उसके आसपास नर्स और डॉक्टर खड़े हुए थे। वो औरत दर्द से कराही जा रही थी। उस औरत की आंखें हूबहू चित्रा की तरह थी पर चेहरा चित्रा की तरह नहीं था, वो चित्रा से अलग था। वो औरत इतना ज्यादा दर्द से तड़प रही थी कि उसके चीखने की आवाज बाहर ऑपरेशन रूम तक जा रही थी और ऑपरेशन रूम के बाहर ही एक आदमी बड़ी टेंशन में नजर आ रहा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि अंदर जो औरत अपनी प्रसव अवस्था में थी वो उसका पति था, इसी कारण एक पल के लिए भी वो बैठ नहीं रहा था, बार बार ऑपरेशन रूम के दरवाजे के सामने टहल रहा था। उसकी बेचैनी उसे देखते से ही साफ समझ में आ रही थी। हॉस्पिटल के बाहर आसमान को काले बादलों ने ढक कर रखा हुआ था, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात में हॉस्पिटल के बाहर कोई इंसान तो नजर नहीं आ रहा था, पर हॉस्पिटल के चारों तरफ ढेर सारी बिल्लियों का झमघट लगा हुआ था। जिस तरफ नजर जा रही थी बिल्लियां नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी बिल्लियां हॉस्पिटल के चारों तरफ जमा हो गई है।
वो सारी बिल्लियां भी अपनी नजर हॉस्पिटल की तरफ जमाए हुए थी, जैसे वो बिल्लियां भी अंदर मौजूद आदमी की तरफ बेचैन हो। ऑपरेशन रूम के अंदर डॉक्टर अपना पूरा प्रयास कर रहे थे बच्चे को सही सलामत उसकी माँ की कोख से निकालने की। नर्स दर्द से तड़पती हुई औरत को हौसला देते हुए कहती है, बस हिम्मत बनाए रखो बहन, बस थोड़ी देर और। उस औरत को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने अपने बदन की सारी जान लगा दी थी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। एक माँ अपनी जान को दांव पर लगा देती है अपनी संतान को जन्म देने के लिए, और इस औरत ने भी यही किया था। देखती ही देखती डॉक्टर के चेहरे पर रौनक आने लग जाती है, क्योंकि उस औरत की प्रसव अवस्था खत्म हो चुकी थी और उसकी संतान डॉक्टर के हाथ में थी। उस औरत ने एक लड़की को जन्म दिया था। जब योग उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो जान जाता है कि यही बच्ची उसकी माँ थी, चित्रा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।